Assalamualaikum Sam class. Today our lecture is lecture number 14. Now go to your book. Book name is Nelson English Pupil Book 6. Now go to your number 3 and page number 25. अब ये हमारा पार्ट है वोकैबुलरी का वर्ड्स विद इन वर्ड्स. ठीक है, वो कहता है रिमेंबर्स इट मेक्स स्पेलिंग ईजियर इफ यू कैन फाइंड स्मॉलर वर्ड विद इन अ लॉन्गर वर्ड. अगर आप यानी कि लॉन्गर वर्ड्स के साथ छोटे आपको मिल जाए वर्ड्स तो आपके लिए स्पेलिंग याद करना आसान हो जाता है. दिस कैन हेल्प यू टू रिमेंबर मोर डिफिकल्ट वर्ड. डिस इनफेक्टेंट कंटेन द आई इज इन इनफेक्टेंट. यानी कि उसने बताया कि ये इसके छोटे छोटे वर्ड है, इस तरह याद करना आसान हो जाता है. पिछले यूनिट में भी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्ड्स को कैसे आसान बनाया जाता है. वो कहता है द वर्ड स्प्लिटर्स कैन बी चेंज इन टू 8 अदर कॉमन वर्ड्स बाई रिमूविंग वन लेटर एट अ टाइम. ये देखिए, उसने हमें स्प्लिटर्स यहाँ पे वर्ड दिया है. वो कहता है अगर हम इसमें से एक लेटर हटाते जाएँ तो हम इसको आसान बना सकते हैं. वो कहता है कॉपी एंड कम्प्लीट द वर्ड पैरामिड. पैरामिड इसको कह रहे हैं, ठीक है, यूं बना हुआ है, इस शेप को पैरामिड्स कहते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू यूज द लेटर वंस यू हैव टेकन इट आउट. जब आप एक बार एक लेटर हटा दें तो आपने उसको दोबारा उसमें नहीं डालना. फाइन एंड राइट डाउन ऑल द वर्ड्स यू कैन फाइंड हिडन इन देयर. इसके अंदर जो छुपे हुए हैं उनको ढूंढना. यू शुड बी एबल टू फाइंड एटलीस्ट 8. यू डू नॉट हैव टू रीअरेंज द लेटर. यानी कि इसी को छोड़ करते हुए हमने लिखना. उसने कहा आपने एक लेटर हटाना है. उसने ये हमें पाबंद नहीं किया कि सिर्फ पहला ही हटाना है या आज चीज हटाना. कहीं से भी आप एक हटा के उसको वर्ड को चेंज कर सकते हैं. जैसे सप्लेटर से बन जाएगा सप्लेटर, हम यहाँ से हैस हटा देंगे. ठीक है, हम सप्लेटर कर देंगे इसको. ठीक है, एस हटा दिया. ठीक है, अब यहाँ से हम एस शुरू से हटा देंगे तो ये बन जाएगा प्लेटर. और नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको प्लेटर में से पी हटा देंगे तो बन जाएगा लेटर. अब हम लेटर में से टी हटा देंगे एक तो बन जाएगा लेटर. अब हम लेटर में से आर को हटा देंगे तो बन जाएगा लेट. अब लेट में से हम एल हटा देंगे तो बन जाएगा एट. एट में से हम ई को हटा देंगे तो बन जाएगा एट. एट में से टी को हटा देंगे तो बन जाएगा ए. ठीक है, सब लेटर से देखें शॉर्ट वर्ड्स में इतने वर्ड्स बन गए. इस तरह हमने हमसे डिमांड की थी. अब आ जाए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ. वो कहते हैं यूज अ डिक्शनरी टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द वर्ड्स बिलो. ऑल द वर्ड बिगन विद कैट द फर्स्ट वन हैज बीन डन टू हेल्प यू टू सिट इन टू द ग्रुप कैटेगरीज. ठीक है, आगे है फैशन मॉडल्स वॉक अलोंग दिस. क्योंकि आप बन जाएगा कैट वॉक कहलाती है वो. ठीक है, कैट वॉक. टाइप ऑफ फिश को हम कह सकते हैं कैट फिश. नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ थिंग्स फॉर सेल, तो क्या होगा कैटलॉग. नेक्स्ट है टू ग्रैब अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल. यानी कि मूव करते हुए बॉल को पकड़ना तो क्या बनेगा कैच. दिस विल टर्न इनटू अ बटरफ्लाई टू अ मोथ. क्या होगा कैटरपिलर. ये आपको आपने पढ़ा होगा बचपन में. नेक्स्ट है फूड प्रिपेयर फॉर एन इवन कैटरिंग. नेक्स्ट है डिजास्टर. ये आपने पिछले यूनिट में पढ़ के आए हैं. आपने पढ़ा था कैटास्ट्रोफी. कैटास्ट्रोफ. ठीक है, इस तरह ये आपका ये आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड. इसको आपने दो से तीन बार समझेंगे तो आपको अच्छी तरह के याद भी हो जाएगा. थैंक यू.